नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल सप्ताह, अगस्त माह का दूसरा सप्ताह, 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक, 5 अगस्त टू 11 अगस्त, मंडे टू संडे की जर्नी कैसे रहने वाली है आपकी। डे टू डेट रही है अपडेट, ऐसा आप कह सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ राशि पे है, इसका लगन से कोई लेना लादना नहीं है। क्लियर साफ आए, बाद में आप लगन पे देखें और कहें कि ऐसा हो रहा है। आरंभ करें उससे पहले, अगर अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे की यात्रा हमारे साथ स्टार्ट करिए। तो सोमवार से आप स्टार्ट कर रहे हैं, भगवान शिव का दिन है, भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी, उनके शरण में रहिएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। यह जो दिन है, थोड़ा सा दबाव तो बनेगा, सूर्यनारायण अश्लेषा में, चंद्र महाराज अश्लेषा में, अमावस्या का प्रभाव 3 बज के 25 मिनट तक थोड़ा दबाव महसूस करेंगे, थोड़ा प्रेशर रहेगा, मंडे को प्रेशर रहेगा, मनचाही स्थितियां नहीं हो पाएंगी, सब कुछ आपके सामने है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ऊपर वाले बेवजह दबाव बनाएंगे, बेवजह दबाव बनाएंगे। तो भावी मेड सके त्रिपुरारी, भगवान शिव के पास जो है एक लोटा जल चढ़ा के जाइएगा, वहीं गणेश जी मिलेंगे, तो गणेश जी को दूरवा चढ़ा के जाइए। कई छोटे बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते मिल जाते हैं, उनको कुछ टॉफी वाफी दे दीजिएगा, कुछ टॉफी वाफी खिला के जाइए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है ना। पंछियों को दाना डालना भी एक उपाय हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ बच्चे टॉफी ले भी नहीं सकते, बहुत सी ऐसी जगह है, तो वहाँ पे आप पंछियों को दाना डाल के जाइए। नहीं कर सकते मित्र, गणेश जी को दूरवा चढ़ाइए, वो भी आप बोलो कि मैं विदेश में बैठा हूँ, दूरवा नहीं मिलता, कोई बात नहीं, ओम गम गणपतये नमः, ठीक है ना, गणेश जी का नाम लेके जाइए। नहीं रहेगा दबाव, कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, कम हो जाएगा, या दबाव 3 बज के 25 मिनट मतलब 4 बजे के बाद चीज़ें बेहतर है यहाँ से लेके, और फिर 6 तारीख मतलब मंगलवार, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरु ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाच, सब अच्छा होगा, एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी इस दिन। एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चंद्रमा और बुध दोनों साथ में रहेंगे, कभी भी सूर्य देव और शनि देव की युति थोड़ा सा कामों में अवरोध उत्पन्न करती है, बुध और चंद्रमा की युति भी कामों में अवरोध उत्पन्न करती है। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन दो तत्वों को लेकर चलते हैं, इसलिए आपके जीवन में अगर आपका बच्चा आपका विरोध कर दे, आप दुनिया के लिए आदर्श हो सकते हैं लेकिन आपका बच्चा आपको आदर्श नहीं मानेगा, जाओ तो बहुत परेशान मत होना, ये ग्रहों की एनर्जी है। शनि सूर्यदेव की कहाँ मानते हैं, बुध चंद्रदेव की कहाँ मानते हैं, सांब ने भगवान कृष्ण की बात कहाँ मानी, ठीक है ना। साथ ही लौकुश ने अश्व का घोड़ा पकड़ लिया, कहाँ मानी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्या करिएगा, इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः, इग्नोर करके चलिएगा हनुमान जी का, या हनुमान जी को तो कुछ स्वीट खिला के जाइएगा प्रातःकाल, चीज़ें ठीक रहेंगी। 7 तारीख, 7 तारीख का दिन बेहतर है, जैसा आप चाहोगे वैसा कर पाओगे आप, इसमें आपके लिए राधे राधे रहेगा, आप इसमें आपके लिए बल्ले बल्ले रहेगा, कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, किसी तरह का प्रभाव नहीं है, यहाँ से आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। लोग बोलेंगे भाई कोई दिक्कत है बताना, दोस्त आप सही हो, अगर आपने पिछले पीछे प्रतिवाद भी कर दिया तो इस दिन लोग बोलेंगे आप सही हो। 8 तारीख उत्तर फाल्गुनी, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, तो सूर्य नारायण का नक्षत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ की स्थिति बन रही है, कर्म क्षेत्र से लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, हर जगह आप लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट। तो 8 तारीख का दिन बेहतर जाएगा। 9 तारीख नागपंचमी है, अपने जीवन के सर्पों से, या आपके जो अपने सर्प हैं उनसे सावधान रहना, जीवन में जो प्रकृति में सर्प टहल रहे हैं उनसे भी सावधान रहना, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक जो आस्तीन में सांप पल रहे हैं ना उनसे सावधान रहे। तो इस दिन नागपंचमी है, तो नागों के निमित्त, देखिए हम लोग क्या है, सनातनी हैं, नदी को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं,
इस समय एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, एक ऐसी जमात है जो सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं, उनसे पूर्णतया बहिष्कार करिए। क्योंकि आप फूल लेते हो तो थूका हुआ फूल मिलेगा, आप स्वीट लेते हो तो हो सकता है कोई उसमें जो है छोटा पैजामा पेशाब किया हो, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। सर वीडियो आ रहे हैं इसका मतलब प्रमाण तो है, बिना देखिए अगर धुआं है ना तो कहीं ना कहीं आग तो है, आग कम ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। इसलिए बहुत समझ समझ के लीजिए, फ्रूट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, समझ के लीजिएगा। तो थोड़ा सा भगवान शिव के पास जाइएगा। जीवन में एक जो नक्षत्र है ना अश्लेषा, आपके बर्थ चार्ट पे अश्लेषा भाग्य के घर में है, और अनुराधा की पूर्णता मतलब जो अनुराधा को प्राप्त होना चाहिए वही अश्लेषा के पास है। यहाँ की एनर्जी बिना उठे आप प्राप्त नहीं कर पाते, तो अश्लेषा के लिए थोड़ा सा जाके सर्पों को कुछ न कुछ भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा के आइएगा। अच्छा है दिन, इस दिन आप कलाकार हैं, मतलब आप जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे, आपका काम बोलेगा सर। 10 तारीख को बैलेंस करने का दिन है, बैलेंस करके आप जाएंगे और पैसे भी कमाएंगे, पैसे खर्च भी करेंगे। और हम पैसे कमाते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए। तो अगर आपको खर्च करना पड़े तो खर्च करेगा, नो डाउट। 11 तारीख स्वाति, घर में आप रहेंगे लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा दबाव में आ रही हैं, कुछ कट रहा है, तो कृपया कोई काट छाट का काम करते हैं ना सावधानी से करिएगा, ठीक है ना, नहीं चोट चपेट लगा लेते हैं। मैं स्वतः ये लगा रखा हूँ, कटिंग कर रहा, करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या आप जब अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में हैं तो बहुत से काम आपको छोटा मोटा करना पड़ता है, तो सावधानी से करिएगा। इस दिन बेहतर आ जाए, रिश्तों में खटास ना आए, रिश्तों में खटास भी आ सकती है, उसके लिए प्रातःकाल कुत्तों को रोटी खिला के जाइए या कुत्तों को ब्रेड खिला के जाइए, कुत्ते टाइप लोगों को भी कुछ दे के जाइए, भैंस मिल जाए तो भैंस को बैगन खिला के जाइएगा, सब राधे राधे होगा। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।